सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं से चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो नाराज नजर आई। निरीक्षण के दौरान कई जगह तो इतनी बदबू थी कि मंत्री साधो को नाक पर हाथ करके निकलना पड़ा। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की सामान्य परिषद की बैठक में शामिल होने के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो ने बीएमसी परिसर का निरीक्षण किया, लेकिन निरीक्षण के दौरान टॉयलेट से आ रही तेज बदबू की वजह से मंत्री साधो को अपनी नाक पर हाथ रखना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने बीएमसी प्रबंधन को जमकर फटकार लगाई। सागर मेडिकल कॉलेज में हमेशा ही साफ सफाई का मामला यूं ही सुस्त पड़ा रहता है। जब कोई आला अधिकारी या मंत्री यहां दौरा करने आए तो व्यवस्थाएं कुछ ठीक की जाती हैं और अन्य व्यवस्थाओं को आनन फानन में दुरुस्त किया जाता है। मेरे पास मेडिकल और डॉक्टर यहां पर बनते हैं, चिकित्सा शिक्षा वाले सी एस सी पी एस सी जैसे कह रहे हैं कि वाकई बुरी हालत है कि डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री जो दूसरे मंत्री जी उसको संभालते हैं, कोशिश और प्रयास कर रहे हैं, सुबावजूद भी बहुत कम डॉक्टर अवेलेबल हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी जगह सुधार आ रहा है। उसको देखते हुए मेरे विभाग की तरफ से हम लोग ये नीति बनाने जा रहे हैं, जिसमें जो हमारा एम बी बी एस करके स्टूडेंट निकलता है, जो पी जी करके एम डी एम एस करके निकलते हैं, और जो हायर स्टडी करके डी एम और एम सी एच करके निकलते हैं, उनके ऊपर एक नीति बनाकर ये कर रहे हैं कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश जो रजिस्ट्रेशन करती है, तो पहले तो बॉन्ड भरवाते थे, तो बॉन्ड वो भर भरा के और इधर उधर निकल जाते थे, लेकिन ये बात हम उसको बिल्कुल नियम में ला रहे हैं। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की 2.5 साल बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो की अध्यक्षता में सामान्य परिषद की बैठक हुई। इसमें मंत्री ने कॉलेज के ऑडिटोरियम, हफसली के इंसिनेटर प्लांट, अप्रोच रोड और अन्य मुद्दों को लेकर हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों से सवाल जवाब किए। इस दौरान संतोषजनक उत्तर न मिलने पर वे नाराज हो गई और हाउसिंग बोर्ड के ई व इंजीनियर को जीसी की बैठक से बाहर कर दिया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।